बच्चों, आज एक बार पुनः है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत है। बच्चों, आज भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसको मैंने आपको शुरू करा था इससे पहले वाले वीडियो में, और मैंने डायग्राम भी बनाया था और उसको काफ़ी आगे एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, आज उसी को दोबारा से कंटिन्यू करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारे ये नॉस्ट्रिल होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, नासा छिद्र कह रहे होते हैं। ठीक है, ये जो नासा छिद्र होते हैं, इन नासा छिद्रों से जो वायु होती है वो वायु कहाँ पर जाएगी, नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से इंटरनल एयर्स अंतःनासा छिद्र के द्वारा कहाँ पर चली जाती है, वो ग्रसनी में। ग्रसनी के वो जिस भाग में जा रही होती है उस भाग को हम कह रहे होते हैं नासा ग्रसनी। ठीक है, और नासा ग्रसनी के ठीक नीचे पाया जाने वाला जो ग्रसनी का भाग होता है, जो कंठ के पास में होता है, उसको हम कह रहे होते हैं कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी कंठ के माध्यम से किससे जुड़ जाती है, ट्रेकिया से जुड़ जाती है, श्वास नली से जुड़ जाती है, या श्वसन नली से जुड़ जाती है। ठीक है, और जो ट्रेकिया से जब ये जुड़ती है तो उसी समय एक पूरा का पूरा वहां से तंत्र क्रिएट होना प्रारंभ हो जाता है। जो कंठ होता है, जिसको हम लैरिंग्स कह रहे होते हैं, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, त्रिकोणे आकार का, एक सेक या चैम्बर या कोस्ट जैसा होता है, जिसको हम ट्रायंगुलर चैम्बर कह देते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रायंगुलर चैम्बर होता है, जिसको हम लैरिंग्स या कंठ कह रहे होते हैं, ये जो कंठ होता है, इसकी जो भित्तियां होती हैं, इसकी जो क्या होती हैं भित्तियां, उन भित्तियों को उपास्थियां कार्टिलेजेस सपोर्ट कर रही होती है, सहारा दे रही होती है। ठीक है, जिसमें थायराइड होती है कार्टिलेज, जिसमें क्रिकॉइड होती है, एरिथिनॉइड होती है, एपिग्लोटिस होती है, ये सब कंठ की दीवार या कंठ की भित्ति को सपोर्ट या सहारा प्रदान कर रही होती है। ठीक है, अब देखिए, जो कंठ है उसको अगर हम चाहें तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, स्वर उत्पादक या ध्वनि उत्पादक अंग कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स का मतलब होता है स्वर रज्जु, और उन स्वर रज्जु के द्वारा किसको उत्पन्न किया जा रहा होता है, साउंड को, अर्थात ध्वनि उत्पन्न की जा रही होती है। ठीक है, और कंठ में जो छिद्र होता है, कंठ के अंदर जो अपर्चर पाया जाता है, उस अपर्चर को नाम दे रहे होते हैं, जिसको क्या बोला जाएगा, ग्लोटिस, या तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, घाटी द्वार भी कह सकते हैं, ग्लोटिस कहा जा रहा होता है। ठीक है, और वह कंठ उस ग्लोटिस के द्वारा किस में खुल जाता है, श्वास नली में खुल जाता है, या हम कह रहे होते हैं ट्रेकिया में खुल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज ये आती है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे बिल्कुल गर्दन में यहां पर आप देखते हो एक ये उभार जैसा दिखाई दे रहा होता है, एक तरह से ये एडम से एपल, एक वैज्ञानिक थे एडम, उन्होंने खोजा था, और बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा होता है, स्नेल या एप्पल जैसा, इसलिए इसको एडम से एप्पल कह रहे होते हैं। यही क्या होता है, इसी को हम लैरिंग्स या कंठ कह रहे होते हैं, जिसमें थायराइड उपास्थि लगी होती है, जिसको हम आवकू उपास्थि कह रहे होते हैं, दूसरी इसमें क्रिकॉइड लगी होती है, जिसको हम मुद्रिका उपास्थि कह रहे होते हैं, रिंग लाइक होती है, और तीसरी उसमें एरिथिनॉइड लगी होती है, जिसको दरिविकाभ कहा जाता है, और चौथा उसके अपर्चर को ढकने वाला एपिग्लोटिस, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, घाटी ढापन भी कह सकते हैं, या कंठ आच्छद भी कह सकते हैं, जो उसको क्या करता है, ढक करके रखता है। ठीक है, इसलिए उसे हम क्या कह रहे होते हैं, एपिग्लोटिस। तो ये सारी की सारी जो कार्टिलेज होती हैं, ये हमारे कंठ को या हमारा जो लैरिंग्स होता है इसको सपोर्ट कर रही होती हैं, और इसी लैरिंग्स से, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वही वोकल कॉर्ड साउंड को क्रिएट करते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उन स्वर रज्जुओं के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है,
इसलिए हम इसे क्या कह रहे होते हैं, ध्वनि उत्पादक अंग भी कह देते हैं। किसको? कंठ को, जो कहां पर दिखाई दे रहा है, गर्दन में। अब देखिए यदि हम इसको क्या करें, प्रेसराइज करें, दबाएं, तो आप देखोगे सांस आने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रैकिया इसी से जुड़ा हुआ है। जब ट्रैकिया इससे जुड़ा हुआ है और आप उसको दबाएंगे तो वो क्या होगा, एकदम से पिचकना शुरू करेगा, और पिचकेगा तो वहां से जो एयर है वो पास नहीं होगी और उसके अभाव में व्यक्ति कॉलर्स कर सकता है। इसलिए ये जो हमारा कंठ होता है ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया मीन्स श्वसन नली होती है, वो जो श्वसन नली होगी वह श्वसन नली इस कंठ से लेकर और ये जो हमारी वक्ष गुहा होती है इसमें वक्ष गुहा तक पड़ी रहती है। ठीक है, इस श्वसन नली की या ट्रैकिया की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, अब ये देखिए जो 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, श्वसन नाल कह रहे होते हैं, या इसको हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रैकिया कह रहे होते हैं। और ये जब वक्ष गुहा में जाती है तो दोनों तरफ बाइफर्केट हो जाती है। बाइफर्केट का मतलब क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों तरफ लंग है तो एक एक लंग में चली जाएगी, एक एक फेफड़े में चली जाएगी, जिसको या तो हम ब्रोंकस कहते हैं या ब्रोंकाई कहते हैं या श्वसनी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो श्वसनी और श्वसन नाल होती है या ट्रैकिया जो ब्रोंकाई होती है, इसकी भित्ति पर सी आकार की कार्टिलेज लगे होते हैं, जिसको हम कार्टिलेजिनस बुल्ला या उपास्थल छल्ले कह देते हैं। ये जो उपास्थल छल्ले होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रैकिया को पिचकने नहीं देते, ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते हैं। अगर कार्टिलेजिनस बुल्ला ना हो तो क्या होगा, ट्रैकिया मस्कुलर पाइप है, पिचक जाएगा, पिचक जाएगा तो दोबारा से उसको बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से उसको फुलाना या फिर वहां से क्या नाम है, गैसियस पास आउट करना या गैसियस का आना जाना। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो सी आकार के छल्ले हैं कार्टिलेज से बने होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको कोलैप्स होने से या पिचकने से बचा रहे होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम ये कह रहे होते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, जो श्वसन मार्ग होता है, उस श्वसन मार्ग की भित्ति पर दो तरह की सेल लगी होती हैं। एक तो म्यूसिलेजिनस सेल होती हैं, जिनको हम श्लेष्म कोशिकाएं कह रहे होते हैं, और दूसरी होती हैं पश्चमाभि कोशिकाएं, जिनको सीलिएट एडसेंस कहा जाता है। जब भी वहां पर कोई सूक्ष्म पार्टिकल या जीवाणु पहुंचते हैं तो वो श्लेष्मा में फंस जाते हैं, और जो सीलिएट एडसेल हैं या पश्चमाभि कोशिकाएं होती हैं वह है उसे क्या करती हैं, ग्रसनी की तरफ पुश करना शुरू कर देती हैं। किसमें, ग्रसनी में धकेलना शुरू कर देती हैं, और जब वो ग्रसनी में आ जाते हैं तो या तो उनको आप क्या कर सकते हो, काफिंग कर सकते हो, थूक सकते हो, या फिर उसको निगल सकते हो, और निगलने के बाद वो है श्लेष्मा के साथ बायोफिजिकल मैटर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर पर कोई भी उनका एडवर्स इफेक्ट या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट उसी को और आगे बढ़ाते हुए, हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, हमारी जो वक्ष गुहा होती है, उस वक्ष गुहा में क्या होगा, मीडिया एस्टिनल स्पेस के ऊपर हार्ट होता है, हार्ट के दोनों तरफ एक एक फेफड़ा लगा होता है। ठीक है, और उन फेफड़ों के ऊपर दो फुफ्फुसावरण या प्लीवरा लगे होते हैं, और उन प्लीवरा के मध्य में एक द्रव भरा होता है जिसको प्लीवरल फ्लूइड कह देते हैं, या उसको हम क्या कह रहे होते हैं, फुफ्फुसीय द्रव कह देते हैं। साथ में उन दोनों के मध्य पाए जाने वाले जो चैम्बर्स हैं उनको कोटर कह रहे होते हैं या प्लीवरल कैविटी कह देते हैं, फुफ्फुसावरणीय गुहा कह देते हैं। वे कोटर में हवा नहीं होती है, कैसे होते हैं, वायु रहित तो होते हैं, इसलिए जो वायु नहीं होने से क्या होता है, कोटर फेफड़े को पिचकने से बचाता है, फेफड़े को क्या नहीं होने देता, कॉलप्स नहीं होने देता है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी दुर्घटना बस
जो कोटर है वो फट जाता है तो उसमें एयर प्रवेश कर जाती है, वायु प्रवेश कर जाती है और उस कंडीशन में फेफड़े पिचक जाते हैं, ठीक है, और फेफड़े अपना काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि हमारा जो ये पर्स का पिंजर होता है जिसको हम कह रहे होते हैं रिब केज, ये जो पसलियां होती हैं पीछे रीढ़ की हड्डी होती है बैकबोन और आगे ये स्टर्नम होता है, ये मिलकर के एक थोरेसिक वास्केट बना लेते हैं, एक बक्षीय टोकरी बना लेते हैं, इसी को हम रिब्स केज भी कह देते हैं, पर्शुका पिंजर भी कह देते हैं, क्योंकि रिब्स को हिंदी में पर्शुकाएं कहा जाता है। तो ये जो पर्शुका पिंजर होता है या रिब केज होता है या थोरेसिक कैविटी होती है, ये लंग्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती है अर्थात सुरक्षा प्रदान कर रही होती है, और साथ ही जो यहाँ पर पाया जाने वाला ये मस्कुलर डायफ्राम होता है, पेशीय तालपुट होता है जो डॉम शेप्ड होता है गुम्बद के आकार का, ये हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है, पृथक करता है। अर्थात ये जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली देह गुहा होती है, इस देह गुहा को मस्कुलर डायग्राम के वो डायफ्राम के द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है, ये वाला एब्डोमिनल कैविटी और ये वाला क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी। और ये कैसा होता है, डॉम शेप, डॉम का मतलब क्या होता है, गुंबद के आकार का होता है, ठीक है। अब देखिए इसी को हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कंठ ग्रसनी किसके माध्यम से, कंठ के माध्यम से, लैरिंग्स के माध्यम से कहां से जुड़ जाती है, श्वसन नली से। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बता रखा है ये क्या है, लैरिंग्स है, इससे ऊपर इसके ऊपर जो अपर्चर है, इस अपर्चर को किसने ढका हुआ है, एपिग्लोटिस ने, क्योंकि जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तो उस समय ये एपिग्लोटिस उस भोजन को इस ट्रेकिया में जाने से रोकता है। तो जो कंठ ग्रसनी होती है वो इस कंठ के माध्यम से इस ट्रेकिया से जुड़ जाती है। देखो मैंने यहां पर बता रखा है कंठ ग्रसनी किसके माध्यम से, कंठ के माध्यम से किससे जुड़ जाती है, ट्रेकिया से या श्वास नली से जुड़ जाती है, ठीक है। इसके पश्चात ये जो कंठ होता है कैसा बताया था मैंने अभी, ट्रायंगुलर चैम्बर, कैसा होता है, त्रिभुजाकार संरचना के रूप में, देखो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर शेक या चैम्बर के रूप में, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि कंठ की जो भित्तियां होती हैं, ये जो इसकी दीवार होती है इसको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेजेस जिनको हम उपास्थियां कहते हैं, और ये उपास्थियां यहां पर तीन तरह की दिखाई दे रही हैं, एक थायराइड है जिसको अपटू कहते हैं, एक क्रिकॉइड है और एक यहाँ पर एरिथ्रोइड है, ये उपास्थियां इसको सपोर्ट करती हैं। साथ में मैंने बताया था चौथा क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस जिसको हम कंठ आच्छेद या घाटी ढापन कह देते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस छिद्र को क्या करता है, ढक लेता है, कब ढक लेता है, जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं, वरना क्या होगा, भोजन वहां पर आहार नाल के ग्रास नली में जाने के बजाय इसमें भी आ सकता है, और इसमें यदि भोजन आएगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, इसलिए यहाँ पर ये एपिग्लोटिस नेचुरली इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कवर कर लेती है और ढक लेती है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि कंठ में क्या पाए जा रहे होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनको हम स्वर रज्जू कह रहे होते हैं, यहाँ पर ये लगे होते हैं दोनों साइड से, इन वोकल कॉर्ड्स के कारण क्या होगा, ध्वनि या साउंड उत्पन्न होती है, इसीलिए हम इस कंठ को या इस लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, कंठ उत्पादक, वो क्या नाम है, ध्वनि उत्पादक अंग, ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कह देंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पश्चात कंठ में छिद्र होगा, अपर्चर होगा इसके बीच में, और ये अपर्चर क्या कहलाता है, ग्लोटिस या इसको घाटी द्वार कह देते हैं, और इस ग्लोटिस को कहां पर जाकर के जोड़ दिया जाता है, श्वास नली में, अर्थात ये जो लैरिंग्स है इसके अंदर जो अपर्चर है ग्लोटिस, उसी अपर्चर के द्वारा ये लैरिंग्स किस में खुलती है, ट्रेकिया में खुल जाती है, या जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, श्वास नाल या श्वसन नली कह देते हैं, इसमें ये खुल जाती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक ये सारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके पास इसके पश्चात नेक्स्ट, श्वसन नली की जो लंबाई है, ट्रेकिया की जो लंबाई है ये लगभग कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, अर्थात ये वाली जो नलिका है
इस नलका की लंबाई कितनी बता रहे हैं, ये 12 सेंटीमीटर बता रहे होते हैं, और ये कंठ से लेकर के कहां तक पड़ी होती है, बक्ष गुहा तक फैली होती है। देखो ये इन्होंने बताया कंठ से कहां तक फैली होगी, बक्ष गुहा तक फैली होगी, ठीक है। और जहां पर आकर के ये फिर क्या होती है, बाइफर्केट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांच में बट जाती है। इन ब्रांच को ब्रोंकस या ब्रोंकाई कह दिया जाता है या श्वसनी कह दिया जाता है, ठीक है। एक राइट लंग में चली जाती है, एक लेफ्ट लंग में चली जाती है। अब देखिए ये जो ट्रैकिया है और ब्रोंकाई होते हैं, इनकी भित्ति में ये बहुत सारी स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं आपको। ये स्ट्रिप्स कैसी होती है, सी आकार की होती है, सी शेप्ड होती है। इनको हम कार्टिलेजिनस बुल्ला कह देते हैं। क्या कह रहे होते हैं, उपास्थल छल्ले कह रहे होते हैं। ये उपास्थल छल्ले क्या करते हैं, इस ट्रैकिया को और यहाँ पर जो ब्रोंकाई हैं उनको कॉलप्स नहीं होने देते, पिचकने नहीं देते। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो यहाँ सी जैसा दिखाई नहीं दे रहा, ये बताओ नलकाई तो है, और नलका को अगर आप काटोगे तो इस तरह से दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, गोल दिखाई देगी। और जब इसमें सी आकार का है तो इसका मतलब इसके आधे वाले भाग पे ही तो लगे हैं, तो आकार ये कैसा बन जाएगा, सी से बन जाता है। क्या कह रहे होते हैं, हम इसको सी आकार कह रहे होते हैं, ठीक है ना। जिसमें मैंने देखिए दिखा रखा है कि ये जो श्वसनिया है और श्वास नाल है, इसके भित्ति पर ये सी आकार की क्या लगी हुई है, बहुत सारी कार्टिलेजिस, इनको हम कार्टिलेजिनस बुल्ला कहते हैं। ये क्या करती है, श्वास नली एवं श्वसनियों या ट्रेकिया एवं ब्रोंकस को पिचकने नहीं देती, कॉलप्स नहीं होने देती है, ठीक है। इसके पश्चात जो श्वसन मार्ग है, यहां से लेकर के पूरा ये यहां तक जो रास्ता बन रहा है, पैसेज बन रहा है, पथ बन रहा है, इस पथ में या इस भित्ति में कौन सी वाली कोशिकाएं लगी होती है, म्यूसिलेजिनस सेल, श्लेष्म कोशिकाएं, और दूसरी सीलिएट एडसेंस होती है, जिनको हम पक्षमार्गी कोशिकाएं कह रहे होते हैं। जब यहां पर कोई श्लेष्मा के अंदर सूक्ष्म पार्टिकल या जीवाणु फंस जाते हैं तो ये पक्षमार्गी कोशिकाएं क्या करती हैं, गति करके इनको यहां से कहां पर लेके जा रही होती हैं, ग्रसनी की तरफ, अर्थात वापस कहां पर धकेल देती है इनको, ग्रसनी में। और जब ये ग्रसनी में पहुंच जाते हैं तब इन्हें क्या कर लिया जाता है, श्लेष्मा सहित निगल लिया जाता है, जो फीगल मैटर के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती हैं, या फिर इनको कफिंग कर सकते हैं, थूक करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा किसको कह रहे होते हैं, ये वाले पोर्शन को, थोरसिक कैविटी। इस वक्ष गुहा के अंदर मीडिया स्टीनल स्पेस पर यह हार्ट पाया जा रहा है, और इस हार्ट के दोनों तरफ क्या होते हैं, लंग्स लगे होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। ये दोनों लंग्स किससे बने होते हैं, राइट लंग्स कितनी पालियों से बना होता है, 3 पाली से, और लेफ्ट कितनी से बना होता है, 2 पाली से बना होता है, ठीक है। और इसके पश्चात ये दोनों लंग्स के ऊपर आप देखोगे ये आवरण पाया जा रहा है, इस आवरण को हम कह रहे होते हैं फुफ्फुस आवरण, क्योंकि जो लंग है उसको हिंदी में फेफड़ा भी कहा जाता है, फुफ्फुस भी कहा जाता है, इसलिए इसके चारों तरफ जो आवरण होगा उस आवरण को हम नाम क्या दे देंगे, प्लूरा कह देंगे, फुफ्फुस आवरण कह देंगे। और इस फुफ्फुस आवरण के मध्य में ये जो बीच में गैप है, ठीक है ना, अवकाश है, खाली जगह है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, इसको या तो फुफ्फुस आवरण द्रव कहते हैं या प्लूरा फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और बीच में जो खाली स्थान होता है, चैम्बर होता है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, प्लूरल कैविटी कह रहे होते हैं, फुफ्फुस आवरण गुहा कह रहे होते हैं, या कोटर। इस कोटर के अंदर यहां पर वायु नहीं होती है, और वायु नहीं होने के कारण फेफड़े को क्या होता है, कोटर पिचकने से बचाता रहता है, कॉलप्स नहीं होने देता फेफड़े को। लेकिन अगर किसी कारण से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो ये टूटने से, क्षतिग्रस्त होने से इसमें वायु प्रवेश कर जाती है और फेफड़े क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है, फिर इसके पश्चात देखिए दोनों जो फेफड़े हैं इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है, पर्श का पिंजर, जो सुरक्षा दे रहा होता है। और साथ में देखिए यहां पर ये मस्कुलर डायाफ्राम लगा हुआ है, कैसा, ये डॉम शेप, डॉम का मतलब होता है गुंबद के आकार का। ये क्या करता है इनको, ये देखिए यहां पर गुंबद के आकार का है, तो इससे नीचे क्या हो जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी, और ऊपर क्या हो गई, बक्ष गुहा, अर्थात ये देह गुहा को बक्ष गुहा किसमें बांट देता है, उदर गुहा में।
और इसके पश्चात ये जो श्वसनी है ब्रोंकाई, ये इसमें लगातार विभाजित होते हुए लास्ट में कहां पर जाके खुल जाती है, वायु गुहिकाओं में। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर अभी बताया कि ये दोनों जो फुफ्फुसावरण है इनके बीच में ये द्रव भरा हुआ है, जिसको फुफ्फुसावरण ये द्रव कह दिया या प्लूरल फ्लूइड कह दिया। ठीक है, दोनों के मध्य में कोटर है जिसको हम क्या कह देंगे, प्लूरल कैविटी कह देंगे। इसमें कोई वायु नहीं होती है, ये लंग्स को क्या करती है, कॉलप्स या पिचकने से रोकती है। दोनों लंग्स में कोटर अलग अलग होते हैं, अगर किसी कारण से दुर्घटना बस इसमें वायु प्रवेश कर जाए तो ये पिचक जाते हैं। ठीक है, साथ में मैंने बताया था इसको पूरे को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, पर्श का पिंजर, जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, सुरक्षा देने का काम, जो क्या करता है सुरक्षा या प्रोटेक्ट करने का काम। इसके पश्चात ये मैंने अभी बताया था कैसा है, डॉम से गुम्बद के आकार का बक्ष गुहा और उदर गुहा को क्या करेगा, बाढ़ देगा अलग अलग कर। ठीक, अब देखिए मानव के जो प्रत्येक फेफड़े होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कहां पर होते हैं, बक्ष गुहा के अंदर। तो जो प्रत्येक फेफड़ा होता है उसमें जब ट्रैकिया पहुंचता है थोरेसिक कैविटी में, तो ट्रैकिया वहां पर डिवाइड हो जाता है, अर्थात क्या बना लेता है, ब्रोंकाई दो भागों में विभाजित हो जाता है। और वो दो भागों में विभाजित होकर के क्या बनाता है, ब्रोंकाई, या जिनको हम कहते हैं हिंदी में श्वसनी। और जब श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, तो प्रति फेफड़े में श्वसनी प्रवेश करने के पश्चात लगातार वो विभाजित होती रहती है या डिवाइड होती रहती है। ठीक है, लगातार क्या होगी, विभाजित होती रहेगी या डिवाइड होती रहेगी। तो वो वहां पर क्या करती है, सेकेंडरी ब्रोंकियाई बनाती है, फिर टर्शरी ब्रोंकियाई बना लेती है, फिर उससे ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं जिनको श्वसनिकाएं कहा जाता है, उनसे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं जिनको अंतस्थ श्वसनिकाएं कहा जाता है, और फिर उनसे क्या बन जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बन जाता है, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, श्वसनिकाएं कह रहे होते हैं। ठीक है, अंत में जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होता है या श्वसनिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, एल्वियोलर डक्ट के रूप में विभाजित हो जाती हैं। आगे विभाजित होकर के वो क्या करती हैं, वायु गुहिका वाहिनी बना लेती हैं। ठीक है, और जब वायु गुहिका वाहिनी बन जाती है, तो वायु गुहिका वाहिनी आगे की तरफ एक सैक लाइक या कोष्ठक के जैसी संरचना में खुल जाती है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, वायु गुहिका कोष्ठ कह रहे होते हैं, या फिर उसको हम कह रहे होते हैं एट्रियम। क्या कह रहे होते हैं, एट्रियम। और एट्रियम के चारों तरफ छोटी छोटी बहुत सारी प्याले के आकार की संरचनाएं या समूह लगा होता है, जिसे हम कह देते हैं एल्वियोलाई या वायु गुहिकाएं। और ये जो वायु गुहिकाएं होती हैं, यही वास्तव में श्वसन सतह का कार्य करती हैं, और वायु गुहिकाओं में ही क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वायु गुहिकाओं की संख्या, तो हमारे या मानव के दोनों फेफड़ों में लगभग वायु गुहिकाओं की संख्या 60 करोड़ के आसपास होती है। कितने करोड़, 60 करोड़ के आसपास होती है। ठीक है ना, अब देखिए जो प्रत्येक वायु गुहिका होती है वो किसका काम कर रही होती है, एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, श्वसन सतह कह देते हैं। तो प्रत्येक जो वायु गुहिका होती है वह अत्यंत सूक्ष्म या छोटे आकार की होती है, और बिल्कुल कप लाइक होती है, प्याले के आकार की होती है, जिसका डायमीटर लगभग 0.2 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और उसकी जो भित्ति होती है वो अत्यंत पतली होती है, और उस भित्ति में रुधिर केशिकाओं का या ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है, पूरी तरह से उसमें रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा रहता है, और उसी के अंदर फिर क्या होता है, रुधिर लगातार या सतत रूप से या कंटिन्यूअसली एक परत के रूप में बहता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर यह कहा जाता है कि जब वहां ब्लड बहता रहेगा, इसका मतलब है क्या है, वो वायु गुहिका की भित्ति, और वायु गुहिका की जो भित्ति होती है अत्यंत पतली और श्वसन झिल्ली के रूप में काम कर रही होती है। इसका जो मोटापा होता है, थिकनेस होती है, वो लगभग 0.2 माइक्रोन एम होती है,
और श्वसन झिल्ली का जो निर्माण होता है वो कूपिका की एपिथेलियल अर्थात उपकला शैल, इसके पश्चात अंत उपकला और मध्य में लेमिना प्रोपरिया या आधारीय पटल होता है जिससे बन जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बायोकूपिका की जो भित्ति का निर्माण होता है ये सल्की उपकला कोशिकाओं से होता है जिनको हम स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स कह देते हैं। और जो श्वसनी ब्रोंकाई और जो श्वसनिकाएं होती हैं ब्रोंक्यूल्स, इनमें पाई जाने वाली जो उपकला होती है वो कैसी होती है, सीलिएटेड होती है। सीलिएटेड का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं और वो सीलिया क्या करते हैं, जब वहां पर श्लेष्मा का स्राव होता है तो उस श्लेष्मा को सीलियरी मूवमेंट के द्वारा लगातार ग्रसनी की तरफ धकेलते रहते हैं। यदि वहां पर सीलिया अपना काम करना बंद कर दें तो जो श्लेष्मा स्रावित होगा वो कहां पर भरना शुरू हो जाएगा, फेफड़ों में, और फेफड़ों में जब भरना शुरू हो जाएगा तो फेफड़ों में गैसियस एक्सचेंज अथवा गैस का आदान प्रदान या गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा और वो बच्चों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए क्रिटिकल स्टेज होती है। आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम कह रहे होते हैं निमोनिया। निमोनिया में आपने देखा है सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत तेजी से वो, क्योंकि सांस वहां पर गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें होता क्या है, वास्तव में उसमें यही होता है कि जो वहां पर श्लेष्मा सीक्रेट होता है वो कहां पर भर जाता है, फेफड़ों में, बायोकूपिकाओं के अंदर। और जब बायोकूपिकाओं के अंदर द्रव भर जाएगा तो फेफड़ों में या बायोकूपिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान नहीं होता, इसीलिए वहां पर बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो ब्रोंकाई होती हैं और जो ब्रोंकियोल्स होती हैं उनकी भित्ति किससे बनी होती है, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल से। और सीलिएटेड का मतलब है सीलियरी कोशिकाएं, वो सीलियरी कोशिकाएं सीलिया से बनी हैं। सीलिया को हम हिंदी में पक्षमाव कह रहे होते हैं। पक्षमाव निरंतर गति के द्वारा श्लेष्मा को कहां पर लेके जाते हैं, ग्रसनी में, और ग्रसनी में फिर या तो उसको थूक करके आप बाहर निकाल सकते हो वाई कफिंग, या फिर क्या कर सकते हो उसको निकल सकते हो, श्लेष्मा पूरा निकल लिया जाता है तो वो फीकल मैटर के द्वारा या जो भी आपका मल बनता है उसके साथ शरीर से बाहर निकलता रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर में एक तरह से नेचुरल अरेंजमेंट है, प्राकृतिक पूरी व्यवस्था है जो बढ़िया तरह से लगाई हुई है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये होती है कि जो ब्रोंकियोल्स होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, उनके बाद में एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद में एट्रियम और उसके बाद में एल्वियोलाई बायोकूपिकाएं मिल करके जो इकाई बनाती हैं उसे हम श्वसन इकाई कह देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको आप चाहो तो दूसरी तरीके से डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के रूप में बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको लंग्स का और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रखा था, कंठ से ट्रैकिया जा रहा था नीचे की तरफ, ट्रैकिया ये दिखाई दे रहा है, ट्रैकिया में ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये कार्टिलेजिनस बुल्ला हैं, या इनको हम क्या कह रहे होते हैं, सी आकार की स्ट्रक्चर्स, कार्टिलेजिनस बुल्ला। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसका काम कर रहे होते हैं, इस ट्रैकिया को पिचकने नहीं देते। तो ये देखिए जो ट्रैकिया है कंठ से लगा हुआ था, कहां पर जा रहा होता है, थोरैक्स रीजन में, और जहां पर दोनों फेफड़े होते हैं उन फेफड़े में बढ़ जाता है, ये राइट लंग में चला जाता है और ये लेफ्ट लंग में चला जाता है। इनको हम ब्रोंकाई कह देते हैं, या चाहे तो इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कह सकते हैं, प्राथमिक इनको श्वसनी कह सकते हैं, ठीक है। ये श्वसनी जब आगे जा रही होती है तो फिर वाई फर्केट हो जाती है, जब दोबारा वाई फर्केट हो जाती है तो एक तो ये नलिका बन जाती है, एक ये बन जाती है, तब हम इसको क्या कह रहे होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस कह रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर वापस बाई फर्केट होगा तो ये तृतीयक ब्रोंकस बन जाता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, टर्शियरी ब्रोंकस। यहां तक भी आप देख रहे हो सभी में सी शेप क्या लगे हुए, कार्टिलेजिनस बुल्ला जो इस नलिका को कॉलेप्स नहीं होने दे रहे हैं। टर्शियरी ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस से क्या बनेगा, यहां पर टर्मिनल, और टर्मिनल से क्या बन जाता है, रेस्पिरेटरी, जिनको हम श्वसन काय कह रहे होते हैं।
ब्रोंकियोल्स कह रहे होते हैं, और ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये क्या करते हैं फिर वापस बाइफर्केट होकर के या उपविभाजित होकर के एक बाइकूपकीय वाहिनी बना लेते हैं जिसका नाम होता है एल्वियोलर डक्ट। और ये जो एल्वियोलर डक्ट है ये एक चैम्बर में खुल जाती है, उस चैम्बर को हम नाम दे रहे होते हैं बायोकूपिका कोष्ठ, या उसको हम क्या कह रहे होते हैं कूपकीय कोष्ठ, जिसका नाम क्या होता है एट्रियम। और एट्रियम के साथ फिर ऊपर की तरफ आप देखोगे ये बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे के आकार के उभार के रूप में संरचनाएं लगी हुई है, इनको हम नाम दे रहे होते हैं एल्वियोलाई, अर्थात इनको कह रहे होते हैं बायोकूपिकाएं। इनकी संख्या लगभग 60 करोड़ होती है दोनों फेफड़ों में मिलाकर के। तो देखिए ये एक तरह से रेस्पिरेटरी ट्री बन जाता है, ये एक तरह से क्या बन रहा है ये श्वसनीय वृक्ष बन रहा है। इस तरह से यहाँ पर आकर के गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात इसके चारों तरफ ये जो भित्ति बनी हुई है ये भित्ति क्या कहला रही होती है श्वसन झिल्ली का काम कर रही होती है। डायमीटर यहाँ पर अगर हम देखेंगे किसका इसका एल्वियोलाई का ये कितना होता है 0.2 mm होता है, मोटाई लगभग कितनी होती है 0.2 माइक्रो एम होती है, और इसमें उपकला बीच में क्या होगा आधारीय कला और अंदर की तरफ क्या होती है जिसको हम कह रहे होते हैं अंतः कला मिलकर के बना लेती है जो रेस्पिरेटरी सर्फेस का काम कर रही होती है, जिससे ऑक्सीजन और CO2 के बीच में अदला बदली होती रहती है, अर्थात गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, इसके पश्चात आपको नोट के रूप में देखना है तो देखिए इसी को आप यहाँ पर बता सकते हो, क्या बोला है मैंने मानव के प्रत्येक फेफड़े में श्वसनी प्रवेश करती है। देखो ये श्वसनी प्रवेश कर रही है ना फेफड़े में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर फेफड़ा होगा, ठीक है, और ये श्वसनी जब फेफड़े में प्रवेश कर जाएगी तो ये क्या करेगी फेफड़े के अंदर लगातार विभाजित होती रहती है, और लगातार विभाजित होने के बाद द्वितीयक सेकेंडरी ब्रोंकस देखो ये मैंने बना रखा है, इसके पश्चात टर्शियरी ब्रोंकस ये बना रखा है, इसके पश्चात आपने देखा है ब्रोंकियोल्स ये देखो बना रखा है, इसके पश्चात टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और क्या होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये सारे विभाजित हो जाते हैं, अंत में ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होता है ये फिर विभाजित होकर के एल्वियोलर डक्ट बना लेता है, और एल्वियोलर डक्ट किस में खुल जाती है एक कोश समान संरचना जिसको हम एट्रियम कह रहे होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है एट्रियम बना हुआ है, और एट्रियम जब एट्रियम में ये खुल जाएगी तो एट्रियम के चारों तरफ छोटे छोटे प्याले के आकार की बहुत सारी संरचनाएं लगी होती है, उनको हम नाम दे रहे होते हैं बायोकूपिकाएं एल्वियोलाई। ठीक है, और ये दोनों फेफड़ों में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है 60 करोड़ के आसपास होती है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, इसके बाद में एल्वियोलर डक्ट है, इसके बाद एट्रियम, और फिर यहां पर एल्वियोलाई या बायोकूपिकाएं मिलकर अंत में क्या करती हैं श्वसन की एक इकाई बना देती हैं, और इसके लिए जब गैसीय विनिमय होता है तो हम कह सकते हैं कि बायोकूपिकाओं की जो सतह है वही किसका काम कर रही होती है श्वसन सतह का काम करती है। यहाँ पर ये जो एल्वियोलाई है ये जो सतह है यही सतह किसका काम करेगी श्वसन सतह का काम करेगी, जिसमें अंदर की तरफ यहाँ पर एंडोथीलियम, बीच में लैमिना प्रोप्रिया और ऊपर की तरफ एपिथीलियम, वो क्या नाम है उपकला और एपिथीलियम कह सकते हो, ये तीनों मिलकर के बना रही होती है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक बायोकूपिका कैसी होती है प्याले के समान, ये जो संरचना ना इस तरह से देखिए इस तरह से उभार बने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अंगूर का गुच्छा जो लगा रहता है ना तो उसमें जो आपने डंठल देखे होंगे वो तो नलिका का काम कर रहा है, और अंगूर जो लगा हुआ है वो एक प्याले के आकार की संरचना के रूप में काम कर रहा होता है, ठीक बिल्कुल वैसे के वैसे ही ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है ना, कितना इसका डायमीटर होता है 0.2 mm, यह अत्यंत पतली भित्ति के रूप में होता है जिसके अंदर रुधिर केशिकाओं का क्या होगा जाल होगा, जिसमें रुधिर लगातार एक पथ के रूप में बहता रहेगा। ठीक है ना, और फिर गैसीय विनिमय के लिए यही बायोकूपिका क्या करेगी एक अत्यंत पतली श्वसन झिल्ली के रूप में काम करेगी, जिसको हम श्वसन सतह भी कह सकते हैं या श्वसन झिल्ली भी कह सकते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी होती है 0.2 माइक्रो एम होती है, माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इसी को हम बायोकूपिका की जो सतह है या झिल्ली है
इसी को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, श्वसन झिल्ली। और इस श्वसन झिल्ली का निर्माण मैंने अभी अभी बताया था, उपकला से होगा, फिर क्या होगा अंत उपकला लगी होगी, और बीच में क्या होगी आधारीय कला। ऊपर की तरफ ये उपकला है, ये यहाँ पर अंतःकला है, और ये आधारी उपकला है जिसको हम कह रहे होते हैं लेमिना प्रोक्रिया, ठीक है। और बीच वाला पूरा ये कोष्ठ जो दिखाई दे रहा है, ये कोष्ठ एट्रियम का काम कर रहा होता है। किसका काम कर रहा होता है? एट्रियम का, ठीक है। इसके पश्चात बाह्य कूपिका की जो भित्ति है ये सल्की उपकला से निर्मित होती है, अर्थात जो सेल्स होती है इसमें उपकला की, वो सारी स्क्वामस हो जाती है, ठीक है, सल्की हो जाती है। और इसके साथ साथ जो श्वसनी और श्वसनिकाएं होती हैं, जिसमें देखिए ये क्या है ब्रोंकाई है और ये क्या है ब्रोंकियोल्स हैं। इनमें आप अंदर की तरफ देखेंगे तो क्या लगा होता है, एक तो इसके अंदर उपकला रहेगी, और उपकला कैसी होगी, पछमावी मीन सीलिएटेड। क्या लगे होंगे इसमें बहुत सारे सीलिया, देखो यहां से इस तरह से आप दिखा सकते हो, ये बहुत सारे क्या लगे रहेंगे सीलिया। और ये सीलिया क्या करते हैं, इसमें जो श्लेष्मा बनता है इस श्लेष्मा को वापस कहां भेजते हैं, ग्रसनी में, ग्रसनी से या तो बाहर निकाल दीजिए या फिर ग्रसनी से इसको श्लेष्मा को निगल जाते हैं, और फिर वो किसके रूप में फीकल मैटर के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस कारण उसका कोई भी शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता, कैसा बैड इफेक्ट या कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो हमारा फेफड़ा है उसमें इस तरह का एक वृक्ष या श्वसन वृक्ष बन जाता है, इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ओके।